दोस्तों, मोगरा में अगर अभी ये काम नहीं करे तो आने वाले समय में इसमें जो फ्लावरिंग है वो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर मोगरा में अगर टाइम से अगर इसकी प्रूनिंग और इसकी जो खाद वगैरह जो दी जाती है, अगर आपका पौधा जैसे देखिए ये रिपोर्टिंग के लायक हो गया, देखिए कितनी जड़ें इसमें फैल चुकी है, अगर आपने अभी इसमें काम नहीं करा तो आने वाले समय में आपको जो इसमें फ्लावरिंग जो अच्छी मिलती है वो नहीं ले पाएंगे। तो मोगरा के जो जो काम है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले जो चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब पहले ही कर लें क्योंकि आप लास्ट में भूल जाते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। देखिए जैसे मोगरा का प्लांट है, देखिए कितना फैल चुका है, इसमें कई ब्रांचें आ चुकी हैं। नीचे से देखिए आप, ये जड़ से देखिए कितनी, 1 2 3 4 करीब 8 10 ब्रांचें आ चुकी हैं। अगर इसमें हम अभी ये काम नहीं करेंगे तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या काम करने हैं इसमें। ये देखिए जैसे बहुत ही हार्ड हो चुका है, क्योंकि ये जड़ें जो हैं ये गमले में बिल्कुल चिपक चुकी हैं। देखिए ये देखिए कितनी जड़ें इसमें जो हैं, रूट बॉन्डिंग हो चुकी है इसकी। ये मैंने पिछले साल इसमें जो है इसमें रिपोर्टिंग करी थी, उसके बाद इसकी ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया हो रही। इसको अभी 1 2 साल ही हो रहे हैं नर्सरी से लाए हुए, और देखिए कितना अच्छी इसमें ग्रोथ हो चुकी है। इसको अगर हम अभी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो ये जड़ें जो हैं बहुत जम जाएंगी और इसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। ये देखिए मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं निकल रहा है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर आपका जैसे रूट बॉन्डिंग होगी है प्लांट में, अगर आपके रूट जैसे देखिए पूरी जड़ इसमें चिपक चुकी हैं, तो इसको ये निकलेगा नहीं ऐसे इसमें, इसलिए 1 दिन पहले इसको पानी से खूब भिगा दीजिए जिससे कि ये आसानी से निकल जाए। मैंने पहले दिन पानी से भिगाया, लेकिन इसमें रूट बॉन्ड बहुत ज़्यादा है इसलिए निकलने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, इसलिए इसकी साइड की जो है मिट्टी इसको आप हल्का हल्का निकाल दीजिए। इस तरीके से इसको मिट्टी को निकालेंगे तो ये पौधा आसानी से निकल जाएगा। ये कोई बात नहीं है, साइड ये रूट अगर ये जैसे निकल लिए हैं इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो निकालनी है ही। जो मेन रूट है उसको रहने देंगे, बाकी जो साइड की रूट हैं सब निकाल देंगे। ये देखिए मैंने ये निकाला है इसको, ये देखिए कितने रूट बॉन्ड हो रही। अगर इसको अब मैं ऐसे ही रहने देते तो ये ग्रोथ भी नहीं करता और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं ले पाते, इसलिए जैसे हमने निकाल दिया है इसकी सारी रूट हम निकालेंगे। इसको काट के साइड से देखिए कैसे निकालना है, जैसे हम ये साइड की जितनी रूट हैं सब काट देंगे। ये देखिए पूरी जो साइड की ये जो रूट बॉन्ड हो रखा है, जितनी मिट्टी है ये सारी हम निकाल देंगे जड़ काट के पूरी। अगर हम इसको इस तरीके से निकालेंगे कि जो बीच की मेन ब्रांच जो मेन रूट होती है इसकी वो ना कटे, साइड की जो रूट है वो कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नई रूट बनेंगी, नई ग्रोथ करेगा प्लांट। इस तरीके से हम पूरा निकाल देंगे, ये देखिए इसमें कितनी रूटें बन गई है, अंदर पूरा रूट बॉन्ड हो चुका है, कहाँ से इसमें ग्रोथ होगी अच्छी। अगर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे ग्रोथ नहीं हो पाई, इसलिए इसको पूरा निकालना है जो मिट्टी है इसकी। ये देखिए मैंने इसमें सारी जड़ें निकाल दी हैं साइड की, अब इसको ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे हम। देखिए जैसे ये जड़ें देखिए कितनी निकल गई हैं इसमें। कोई भी प्लांट अगर रिपोर्टिंग करनी है तो पूरी साइड की जड़ें निकाल सकते हैं आप, क्योंकि जो मेन रूट है वो नहीं कटेगी तो ये अच्छी फ्लावरिंग बाद में देगा इसमें, अगर हम खाद वगैरह अच्छी दे रहे हैं तो। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जो ये देखिए कितना लंबा हो चुका है। अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसको बेल की तरह आप ऐसे चढ़ा सकते हो ऊपर, अगर आप पॉट में ऊपर छत में या कहीं पर को गार्डन में कहीं पर को कोई गमले में लगा रहे हैं तो इसकी जो जितनी एक ऊपर की ब्रांच है सब काट देना, जिससे कि इसमें नई ग्रोथ जो स्टार्ट होगी उसमें अच्छे फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सारी जितनी ब्रांचें हैं इसको आप काट सकते हैं, और समय समय पे इसकी अगर प्रूनिंग करी जाए, हल्की हल्की अगर आप प्रूनिंग करते रहें तो इसमें आप जो है अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और इसको अच्छा सा डिजाइन दे सकते हैं। एक ये मैंने ऐसे लगाया था, ये फैल गया देखिए, एक पिछले साल मैंने इसकी जो है रिपोर्टिंग करी थी, फिर भी इसमें रूट बॉन्ड हो ही गया आखिर, क्योंकि इसको अच्छी खाद पानी मिला तो जड़ें इसकी फैलती रही। इसको अच्छे से काट के थोड़ा सा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ काटने के बाद किस टाइप से करना है। ये देखो मैंने इसकी सारी ब्रांचें काट दी हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लंबा बेल की तरह नहीं चाहिए, मेरे को ये थोड़ा सा ड्वार्फ में
से गोलाई मैं इसको बनाऊंगा डिजाइन, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा उसका वीडियो। और जो ये कट कर रखे देखिए, जितनी ये ब्रांचें हैं ये आपसे नए प्लांट बना सकते हो इनकी कटिंग लगाकर, इनको फेंकिए मत। ये देखिए मैं जो इसकी अगर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप नर्सरी से भी लाते हैं तो उस पौधे को जो मैं इसके लिए मिक्सचर तैयार कर रहा हूँ पोटिंग मिक्सचर, उसके लिए आप उस तरीके से मिक्सिंग करेंगे इसके मिट्टी की तो आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये देखिए जैसे गार्डन सॉइल है, कोई भी गार्डन सॉइल आप ले सकते हैं, इसमें गार्डन सॉइल चाहिए थोड़ा सा, और ये गोबर की खाद चाहिए। गोबर की खाद जितनी गार्डन सॉइल लोगे उतनी गोबर की खाद भी, मैं ले रहा हूँ दोनों का रेशियो 50-50%, गार्डन सॉइल जितनी है उतनी जो है गोबर की खाद भी ले रहा हूँ। ये इसको मिक्सचर तैयार करने के लिए इसका जो इसमें मिट्टी तैयार करते हैं उसका मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ। इसमें मैंने गोबर की खाद ली है, 50% गोबर की खाद देंगे और 50% गार्डन सॉइल। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं इसमें, और फंगस ना लगे उसके लिए मैं जो है ये देखिए ये यूज कर रहा हूँ, ये है नीम खली। ये नीम खली थोड़ी मात्रा आप इसमें डाल देंगे, नीम खली ज़्यादा नहीं चाहिए, एक मुट्ठी आप डाल सकते हैं, नीम खली डाल दी। और इसकी जो नई ग्रोथ आएगी, इसमें जो नए जो रूट्स आएंगी उसके डेवलप के लिए आप इसमें थोड़ी मात्रा DAP की डाल सकते हैं। DAP के 8-10 दाने आप इस तरीके से देखिए, DAP 8-10 दाने इसमें मिलाइए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इससे जो गोबर की खाद मैं इसलिए यूज करता हूँ, गोबर की खाद जो है इसमें हर प्रकार का न्यूट्रिशन पौधों के लिए पाए जाते हैं, इसलिए इस गोबर की खाद यूज कर रहा हूँ। और DAP का यूज है, जो नई ग्रोथ जो इसमें होगी वो जल्दी होगी और रूट जो है अच्छे से डेवलप होगी इसमें। इसको मिक्स करके आप हल्का सा ही डाल दीजिए, देखिए ये देखिए आपने इस तरीके से लगाना है और इसको अच्छे से रूट फिलिंग इसकी कर देनी है। रूट फिलिंग मतलब इसमें जितनी नई जो रूट आएंगी वो इस खाद से अच्छी डेवलप हो जाएंगी। इसको आप अच्छे से भर दीजिए और इसको कोई छाया वाले स्थान में 2-3 दिन रखना है, पानी डाल के पूरा भर के पानी डाल के 2-3 दिन छाया वाले स्थान में रखें। उसके बाद इसको आप 2-3 दिन बाद इसको धूप में रख सकते हैं पूरे दिन की, और 2-3 महीने में आप देखेंगे इसमें अच्छी जो नई ग्रोथ स्टार्ट होगी उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और ये जो फूल है ये अच्छी खुशबू आती है इसमें से, ये फूल जो है खुशबू वाला फूल होता है। इसको इस तरीके से आप भर देंगे और ये देखिए जैसे ये पूरा भर दिया, इसको आप छाया वाले स्थान में रख देंगे पानी डाल के। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आप नर्सरी से अगर कोई पौधा लाते हैं तो इसी प्रकार से रिपोर्ट करिए।